आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। कमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली युवती ने थाना कमरौली में तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है कि बुधवार की शाम लगभग 7:30 बजे अपने घर पर थी, जहां पड़ोस का रहने वाला एक युवक अचानक वहां आधमका और मेरा हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती करते हुए अपने घर की ओर घसीटने लगा, जहां युवती ने विरोध करते हुए अपने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया तो किसी तरह छूट कर घर के अंदर की ओर भागने का प्रयास किया। तभी युक्त युवक ने पीछे से धारदार औजार फावड़ा लेकर अंदर आ गया और घर में मौजूद युवती की बड़ी बहन के द्वारा उसे बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन तब तक युवक ने युवती के ऊपर फावड़े से कई हमला कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें लग गई हैं। इसी बीच शोर शराबा सुनकर उक्त युवक की मां ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया, जिससे वो नीचे गिर गया और मौके की नजाकत को भांपते हुए लोगों को आता देखकर मौके से युवक फरार हो गया, जिसके संबंध में भुक्तभोगी ने थाना कमरौली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जिला संवाददाता वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। क्या हुआ है आपके साथ? मैं अपने द्वारे बैठी थी, हाँ। और प्रदीप ने आया मुझे और हाथ पकड़ के खींचने लगा, हाँ। और मैं मना किया तो जो ने वो फिर चला गया और फिर फरवा ले गया, मेरे पर वार किया, मैं डर के मारे घर को गई, फिर वो पीछे पीछे गया मुझे मारा और फिर एक छज्जा था मैं उसके कोने में बैठ गई और फिर छज्जा मारा और फिर पंखे पे और फिर तीसरी बार मेरे हाथे पे मारा और फिर कमर में मारा, फिर मेरी बहन आ गई, फिर उसकी मम्मी ने पकड़ के लेके चली गई तो वो भाग गया। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।